दोस्तों IMF ने इंडिया से अर्ज किया है, मतलब गुहार लगाई है कि प्लीज़ आप अपने राइस एक्सपोर्ट पर बैन हटा दीजिए, क्योंकि इसका दुनिया पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर भुखमरी की सिचुएशन बन सकती है, जैसे सीरिया हो गया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत सारे हो गए, इसके अलावा लेबनान, एंड इसके अलावा आप लोग पाकिस्तान को भी देख सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से इंडिया ने किया है कि अपने राइस एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिए, उसी तरीके से अगर इंडिया को ही देख करके और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो कि राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री, उन्होंने भी अगर बैन लगा दिया, तब तो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों इंडिया ने रीज़न दिया है कि हम पहले अपने लोगों के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर यही वाला रीज़न तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ दे सकती हैं ना, और अगर ऐसा रीज़न सभी कंट्रीज़ ने दे दिया तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन बन सकती है, और ये काफ़ी हद तक एक्चुअल बात है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या इंडिया इतना बड़ा राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, इंडिया इतना बड़ा राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है कि अगर इंडिया ने ये सारी चीज़ें बैन कर दी तो डेफिनेट सी बात है कि इसका पूरे वर्ल्ड पर इंपैक्ट पड़ना ही है, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में राइस एक्सपोर्ट का 40% संभालता है। इसके बाद थाईलैंड आता है, इसके बाद वियतनाम आता है, और वो इंडिया के आधे भी नहीं है। अब इसको आप मैसेजेज बिल्कुल भी मत कर देना कि आप लोगों से अगर कभी भी एग्जाम्स में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो ऑफ कोर्स उसमें चाइना ही टॉप पर है, बट चाइना में खुद में ही इतना ज़्यादा राइस खपत हो जाता है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते, और इसी वजह से दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री है इंडिया। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये वाली चेतावनी देनी चाहिए थी, IMF ऐसी चेतावनी क्यों देने लग रहा है? तो दोस्तों IMF ने बहुत सारी कंट्रीज़ को पैकेजेस दे रखे हैं, रिलीफ पैकेजेस, जिसमें उन्होंने $3 billion, $4 billion दे रखे हैं। तो ऑफ कोर्स डेफिनेट सी बात है कि वो कंट्रीज अंत में आकर के IMF से ये कहेंगी कि हम आपके लोन्स का रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फूड शॉर्टेज आ गई थी तो उसको मैनेज करने में हमें सारा पैसा खर्च करना पड़ा। वैसे दोस्तों IMF को 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर शहर में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये एक मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को USA के Washington DC शहर में देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आप लोगों को 190 कंट्रीज देखने को मिले, एंड इसके स्टाफ मेंबर्स लगभग 150 नेशंस से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान जरूर रखिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।